वहीं चमोली जनपद मुख्यालय गोपेश्वर नगर को पेयजल आपूर्ति के लिए करोड़ों की लागत से बनी अमृत गंगा योजना भी नगरवासियों की प्यास नहीं बुझा पा रही है। हर वर्ष बारिश के सीजन में अमृत गंगा पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसके चलते पूरे नगर भर में पेयजल की किरात से त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाता है। पेयजल किल्लत से परेशान नगरवासी जल संस्थान कार्यालय पहुंचे और जमकर हंगामा काटा। इस दौरान उन्होंने अधिशासी अभियंता जल संस्थान को भी अलग अलग जगह पर स्थलीय भ्रमण के लिए कहा और शीघ्र पेयजल की समस्या के समाधान के लिए चेतावनी दी। अमृत गंगा जब सोर्स के पास ये बार बार लाइन टूटती है और जब वो टूटती है तो उसको बनाने में भी 7-8 घंटे लग जाते हैं, तो डिस्टर्बेंस होती है सप्लाई की। और ये विगत 7 दिनों में देखा जाए तो कल की रात बस नहीं लाइन टूटी, बाकी 6 दिन रोज़ लाइन टूट रही है और रोज़ हम लोग बनाने जाते हैं, तो सुबह की सप्लाई थोड़ी बहुत करके जैसे भी हो पाती है, शाम की तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। तो जिस सीधाही तौर पर लोगों के पास पानी नहीं मिल रहा है, लोगों में आक्रोश है, लेकिन इसमें इशू यह है कि वो वहाँ पे बारिश की वजह से जो चीज़ें टूटती हैं वो भी हमारे पूरे हाथ में नहीं है और हम लोग उसको जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि कल रात में नहीं टूटी है लाइन, आज उसकी वजह से पानी तो ठीक हुआ है, प्रोडक्शन तो ठीक हुआ है, लेकिन क्या हुआ है जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में जो लोगों के घरों में शायद कचरा फंस गया है, जैसा अभी रिपोर्ट आ रहा है, तो लड़कों को जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिली है उन्होंने खोले हैं कचरे निकाल निकाल के लाइनें साफ़ की हैं। मान लीजिए अगर 8 जगह लाइनें बंद हुई होंगी तो 5-6 जगह उन्होंने खोल भी दिए सुबह से, मैं भी टच हूँ, जैसा भी मेरा सुबह से ये घूम रहे हैं। एक अमृत गंगा सोर्स से जो पानी मिलता है उसके फिल्ट्रेशन के लिए एक फिल्टर प्लांट बना हुआ है, फिल्टर प्लांट चालू ऐसा भी नहीं है। इसमें क्या है, अभी जो हमारी रिक्वायरमेंट है इस शहर की, अगर हम फिल्टर प्लांट से पानी देते हैं आपको तो फिल्टर प्लांट से पानी उतना प्रोड्यूस नहीं हो सकता है जितनी हमारे रिक्वायरमेंट है, तो उसको एक पैरेलल बाईपास लाइन से भी और पानी पूरा करने के लिए, मान लीजिए अगर 60% हम फिल्टर्ड पानी दे रहे हैं और 40% हमें बाईपास और ऐड करना पड़ रहा है उस पानी में, ताकि 100% यहाँ की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए।